जिला अस्पताल में अनुबंधित निजी कंपनी के सफाई कर्मियों के सोमवार को हड़ताल पर चले जाने से सफाई व्यवस्था लड़खड़ा गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही, लेकिन हालत यह है कि अस्पताल के हर वार्ड में गंदगी फैली हुई है। परिसर में जहां तहां कचरा बिखरा हुआ नजर आया। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें कलेक्टरेट दर से वेतन, ईपीएफ राशन भुगतान नहीं करने सहित ठेकेदार द्वारा गत दिनों 3 कर्मचारियों को निकाले जाने की नाराजगी के चलते उन्हें हड़ताल का रुख अख्तियार करना पड़ा। इसके लिए वे 6 माह से संघर्ष कर रहे हैं। सिविल सर्जन को भी 1 सप्ताह पहले ही सूचना दे दी थी। सिविल सर्जन ने बताया कर्मचारी की सूचना पर ठेकेदार से बात की थी। वहीं कोरोना के चलते हड़ताल पर नहीं जाने के निर्देश दिए थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज एक दिन के हड़ताल के सफाई कर्मचारी का कहना है कि ठेकेदार ना तो फोन उठाता और ना ही हमारी समस्या का निराकरण करता है। मैंने इनको सैटरडे को, इन लोगों ने मुझे फ्राइडे को लेटर दिया था कि हम लोग 17 तारीख को काम पे नहीं आएंगे। मैंने इनसे बोला कि मैं तुम्हारे सामने, उनको मैंने फ़ोन किया, तुम्हारा जो ठेकेदार है उसको बुलाया हूँ मैं, तुम उनसे मिलो, बात करो और क्या समस्या उनको बताओ, उसकी क्या समस्या है, क्यों नहीं हो रहा वो भी सुनो तुम, और ये समाधान निकाल लो। हड़ताल पर तुम जाओगे नहीं क्योंकि ऐसा लगा है, यदि तुम जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई होगी, इतना मैंने बता दिया था। वो ठेकेदार जो है वो आज आया भी है, इनसे मिला भी है, इनकी बात भी हुई, इसके बावजूद ये काम पे नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने अस्पताल को गंदा तो नहीं रहने देंगे। मैं ये बताया सर, हम 2-3 महीने तक फोन लगा रहा हूँ, ना फोन उठाया ना हमारा को, मतलब नहीं, नहीं, कुछ आश्वासन दिया। आया भी है, 2 बार आ चुका है, उसका कहना है कि इनकी जो ईपीएफ की समस्या है, इनको कई समय से बोल रहे हैं कि तुम अपने पूरे डॉक्यूमेंट दे दो, तुम्हारा हम ईपीएफ का पैसा कटना चालू कर देंगे। ये लोग पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कुछ लोगों ने दिए, कुछ ने नहीं दिए, कुछ के पुलिस वेरिफिकेशन वाले हैं जो भी लगते हैं वो नहीं करे, तो ये मैं क्या सब पूरा बैठ के कह रहा सर, कलेक्टर रेट से मजदूरी भी दे रहे हैं, बहुत कम रिटर्न दे रहा है, 700-7000 रुपये महीना कुछ बता रहे थे। वो तो जो इनके ठेके में इनसे जो अनुबंध हुआ था उसी मान से देंगे, है ना। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर दिवेश। तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमें वो पीएफ भी नहीं मिला है, 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांगे पूरी करो, और ये है कि हमारी है ना पीएफ भी नहीं मिला है अभी तक, मेरे को 2 साल हो गए। अच्छा, और पहले की 2 महीने की भी तनख्वाह भी नहीं बनी। कुछ कर्मचारियों को बंद कर दिया गया था आपके? हाँ, 3 इंसान है। तो उनको क्या चाह रहे हैं आप लोग सभी? अंदर वापस लाना। ठीक है, क्या नाम है आपका? के अवकाश में आप लोग सर 4 महीने से, और मेरे 4000 कम है, तनख्वाह बराबर डल नहीं रही है, और काम के लिए भी धमकियां देते हैं, और पंपर से सिर्फ बंद करने की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों? आने की काम तो कर रहे हैं ना, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, बस यही समस्या है। और उसके धमकियां किस प्रकार की देते हैं? ऐसा कि काम पर से बंद कर देंगे, बंद कर, किस आधार पर बंद करने की बात करते हैं? तो यही आधार हम जानना चाहते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, फिर किस लिए बंद करना चाहते हैं? कितना माह की सैलरी बची हुई है आपकी? कितने महीने की? 2 महीने की। उनके उसके बारे में ठेकेदार से बात हुई तो उनका क्या कहना? वो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे। ये धरने पे आज बैठे हैं आप, कौन क्या मांग चाह रहे हैं आप? बस हमारी सही तनख्वाह डाले और हमें काम पे बनाए रखे। क्या नाम आपका? मंजू सोले। अभी तो नहीं हुआ, पर जैसे कि हमारा एक दिन का जो हमने अवकाश रखा था, इसके पश्चात कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर वगैरह है, ये लोग नए 15 कर्मचारी लिए आए थे, मतलब हमारी समस्या का समाधान करना तो रह गया, ये दूसरे कर्मचारियों को लाकर कार्य करवा रहे थे। तो आपकी मांग क्या थी? हमारी मांग ये है कि हमको कलेक्टर रेट द्वारा सैलरी दी जाए, और जो हमारी सैलरी में से जो पीएफ राशि कट रही है वो हमारे को मिले, और जो कर्मचारियों को नाजायज बंद कर रहे उनको वापसी लगाया जाए, और ठेकेदार हमारे संपर्क में नहीं आ पा रहे उनको संपर्क में लाया जाए। आपने संपर्क करा था उससे? हाँ करा था, तो वो 2 महीने से ये बता रहे हैं मैं गुजरात में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, मतलब 2 महीने से वो बाहर ही बता रहे हैं, मतलब समस्या सुनते ही नहीं ना, मिलने सुनते आते ही नहीं, और मिलते भी नहीं, और संपर्क भी नहीं कर रहे। ये हड़ताल रखी थी आपने एक दिन की? हाँ रखी थी। क्या हुआ इसका? कहीं नहीं, आश्वासन दिया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या आश्वासन मिला आपको? सिविल सर्जन सर के आदेश है, ये आश्वासन दिया है कि हम बुला रहे हैं कंपनी के मेंबर को, बात करते हैं, मीटिंग भी रखी है, भैया आश्वासन दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम तो कार्य करेंगे, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी, हम बिल्कुल तैयार है कार्य करने। क्या नाम है आपका? मुझे पाखान।
चिकित्सा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, ये अलग अलग प्रकार के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है शासन अपनी मनमानी कर रही है। हाँ, शासन द्वारा कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है ठीक नहीं है। कर्मचारी कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, किंतु उनको सुविधा नहीं देना ये ठीक नहीं है। सरकार जो हमारे साथ कर रही है, कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है जिस चीज़ के लिए, है ना, जिस चीज़ के लिए आज ये लोग हड़ताल पे हैं कि एक दिन का अवकाश इन्होंने लिया है प्रदर्शनकारी, तो इसमें पूर्व में भी ये तीन लोगों को बंद किया था उनको वापस से कार्य पर लाने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर क्या अपडेट है? हाँ, ये सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं। ठेकेदार कंपनी द्वारा इनको जो PF है और बहुत सारी समस्या है इनके, न उनका सूट ले रहे हैं, न कहीं आ रहे हैं, उनसे न समस्या के संबंध में कोई चर्चा कर रहे हैं, तो आज इन्होंने 7 दिन का नोटिस दिया था और आज सामूहिक अवकाश पे है। हम भी कर्मचारी भी इनके साथ है और जो ये कंपनी कर रही है गलत है, इनको न्याय मिलना चाहिए। ठेकेदारों से बात करी इस पर तो उनका क्या कहना है? ठेकेदार उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है और ना एक समस्या 7 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया, उस पर उन्होंने चर्चा की, न कोई उनसे संपर्क किया। ठीक है, अब क्या आगे क्या कदम हो सकते हैं इनके? यदि सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं मानेंगे तो जिला चिकित्सालय कर्मचारी भी इनके साथ है। ठीक, क्या नाम सर आपका? आरिश खांडे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।